तो दोस्तों पूरा फ्राई हो गया है और देख सकते हैं कितना मस्त फ्राई हुआ है। तो हम यहाँ पे खाना लगा लिए हैं। अब चलिए यहाँ पे फिश करी लगाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपको सिंटूरिना ब्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी रात हो गया है पूरा, ये देखिए अभी रात का समय, लाया मछली। माँ बोल रहे थे मछली खाने का मन कर रहा है, पर ज़्यादा दिन हो गया तो ला दिए हैं। ये देखिए पूरा एकदम ताज़ा ताज़ा मछली है, बहुत बड़ा बड़ा है, 1 kg लाए हैं हम लोग का, हो जाएगा 1 kg में, है ना। चलिए यहाँ पर कढ़ाई गर्म होने के लिए दिए हैं। ये किधर से आ गया है यहाँ पर, और कौन सी नहीं गुजरा, कौन सी बोला अभी मछली पूरा धो ली है अच्छे से। चलिए अब इसमें तेल डालेंगे, डालो। और इधर माँ मसाला पीसना चालू कर दिए हैं। ये देखिए लहसुन, मिर्चा, जीरा, गोलकी सब है। चलिए तेल दे दिए हैं कढ़ाई में, गरम होगा, उसके बाद डालेंगे मछली, फ्राई करेंगे। चलिए यहाँ पर हल्दी डाल रहे हैं, अभी फ्राई करने से पहले हल्दी डाल देंगे ताकि अच्छा इसमें कलर आ जाए। चलिए मिलाइए, मिला हाँ हाथ से, मिला हाथ से, वो माँ छुएंगे तो वही मिलाएंगे। आग तो काफ़ी मस्त जल रहा है, एकदम ठंड हो गया। ये देखिए धुंगा देने लगा, मिलाइए ना उसको, थोड़ा लकड़ी खींचो खींचो इधर। गरम हो गया तेल और माँ अभी डाल दे रहे हैं मछली फ्राई होने के लिए, कोई ज़्यादा ही गर्म हो गया है, आराम से छिपकेगा। चलिए यहाँ पर अभी फ्राई करते हैं पूरा अच्छे से, जब तक इसमें पूरा अच्छे से फ्राई ना हो जाए। सो एक साइड फ्राई हो गया है, तो चलिए अब इसको पलटते हैं। और देखिए काफी मस्त फ्राई हुआ है। तो चलिए अब अच्छा से फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों पूरा फ्राई हो गया है, चलिए अब इसको उठाएंगे और देख सकते हैं कितना मस्त फ्राई हुआ है, पूरा अच्छा हो गया, आपका रेड रेड दिख रहा है, पूरा अच्छा से मतलब फ्राई हो गया है। ये उसको रखते हैं। तो दोस्तों एक बार फ्राई करके उठा लिए हैं और ये वाला दूसरा बन जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो हम देख सकते हैं। दोस्तों मछली पूरा फ्राई हो गया है, ये देखिए कितना एकदम मस्त फ्राई हुआ है। और एक मुंडी वाला बचा था तो वो हो रहा है अभी। और इधर रीना चीर रही है प्याज, प्याज काट रही है। और उधर दादाजी अभी खाना खा रहे हैं, मछली पीस दे दिए यहाँ पर दादाजी को, देखिए कितना मस्त लग रहा है। हाँ बना नहीं और उनको भूख लगा है इसलिए। चलिए प्याज काटेगी, उसके बाद अब बनाएंगे मछली फिश करी। चलिए दोस्तों फ्राई किया हुआ हो गया है, रीना प्याज काट के रखी है, डालिए। तेल तो गर्म है पहले से ही, इसीलिए प्याज को भी फ्राई करते हैं पूरा अच्छी तरह से। और इधर रीना भी काट रही है टमाटर, मछली में टमाटर नहीं देने से अच्छा नहीं लगता है ना, मछली में टमाटर चाहिए तो चाहिए। देखिए अभी काट रही है, वो टिफिन में है अभी, तो ज़्यादा ही टमाटर देना है मछली में। चलिए भूनते हैं प्याज अच्छी तरह से। दोस्तों देखिए प्याज भुंजा गया पूरा अच्छी तरह से। चलिए अब इसमें डाल देंगे टमाटर, ये देखिए टमाटर इना काट के रखिए,
अब टमाटर को भी भूनेंगे एकदम मस्त एकदम अच्छे से गलाएंगे इसको। चलिए तो चलिए इसमें डाल देते हैं नमक, थोड़ा गलेगा जल्दी। इतना कम होगा और चलिए और देते हैं, एक ही बार और नहीं देना पड़ेगा ना, हो जाएगा। चलिए चलाइए, अब तुरंत टमाटर ना है जो गल जाएगा पूरा मस्त एकदम ग्रेवी बनेगा। अभी थोड़ी सी ढक दीजिए, पानी छोड़ेगा तो ग्रेवी बनेगा मस्त। दोस्तों पूरा टमाटर गल गया है, ये देखिए। माँ इसको अब बनाएंगे ग्रेवी पूरा अच्छे से, इसको मिल जाएगा। अभी देखिए पूरा गल गया है ना, इसी का बनेगा तरी। भाप भी उड़ रहा है पूरा। हल्दी डालें? नहीं डाले, लेकिन फिर भी लग रहा है हल्दी डाला जैसे। लाल है ना पूरा टमाटर, ये देखिए पूरा हो गया। हल्दी डाल दीजिए उधर ही। चलिए इसमें डालते हैं हल्दी। तो दोस्तों यहाँ पे टमाटर पूरा गल गया है, एक मसाला का पेस्ट है पिसा हुआ, इसी को डालेंगे। चलो चलो चलो, सारा कुछ मसाला दिया गया है, अब बस पानी डालना है और उबालना है, फिर मछली डालना है ना। हाँ। चलिए मिला अच्छा से मसाला, मिलेगा और भूंजाएगा थोड़ी देर, अभी रहने दो। मसाला पूरा भुंजा गया, आप चलिए इसमें पानी डाल देंगे। और पानी डालो लो। हो गया, ये इसको उबालते हैं। अभी उबलेगा उसके बाद डालेंगे मछली। आग बुझ गया। सो दोस्तों पूरा उबल गया है देख सकते हैं, और यहाँ पे मछली है तो इसी को अब डालेंगे। पर डाल दिए हैं, अब इसको अच्छी तरह से चलाएंगे और उबलने के लिए और थोड़ा देर छोड़ देंगे। मस्त रेसिपी बना। सो दोस्तों अब यहाँ पे धनिया पत्ता डालते हैं। धनिया पत्ता डाल दिए और यहाँ पे अब मछली रेसिपी बन के पूरा रेडी भी हो गया है। अब इसको उतारेंगे। तो चलिए उतारते हैं। इस करी बन के रेडी हो गया है, अब यहाँ पे खाना लगाते हैं। तो हम यहाँ पे खाना लगा लिए हैं, अब चलिए यहाँ पे इस करी लगाते हैं। तो दोस्तों अभी भैया लोग को खाना लगा दिए हैं। हाँ। ये देखिए यहाँ माँ का इधर है, इधर मेरा है। हाँ। और इन्हें अभी खाएगी बाद में ना। हाँ अभी हम भी खाएंगे, पहले इन लोग को लगा दे लिए हैं, उसको तो अभी हम भी खाएंगे बाद में। चलिए अब हम लोग खाना खाएंगे। हाँ। खाइए इधर। तो दोस्तों अभी खाना पीना मस्त हो चुका है एकदम, आज मछली भात खाने में अच्छा लगा है ना। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। बाय बाय।